संभावित बाढ़ की संभावना को देखते हुए प्रदेश सरकार पूरी गंभीर है। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। उसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रविन्द्र प्रताप शाही गोरखपुर पहुंचे और आपदा प्रबंधन की मीटिंग की। मीटिंग के पश्चात गोरखपुर न्यूज संवाददाता से विशेष बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रविन्द्र प्रताप शाही ने कहा कि बाढ़ के मद्देनजर की गई तैयारियों की समीक्षा की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रविन्द्र प्रताप शाही ने कहा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर के जनपद वासियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर किसी भी प्रकार की जनहानि व धन हानि नहीं होने दी जाएगी। हमारे साथ NDRF, SDRF, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी सहित अन्य संगठन पूरी तरह मुस्तैद हैं। इसके अलावा अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से विशेष बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रविन्द्र प्रताप शाही ने कहा, जैसा कि आपने सवाल पूछा, ये एक कोऑर्डिनेटिंग कॉन्फ्रेंस थी, आपदा के बारे में थी, लेकिन पर्टिकुलरली बाढ़ से संभावित ज़्यादा तो यहाँ कि अभी पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ की संभावना कहीं नहीं बनी है, लेकिन बाकी राज्यों में जो भी क्षति हुई है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश से मेरे को वो बताया गया कि जा करके सुनिश्चित करें और दूसरी जगह पे बाढ़ आई है उसको कैसे आपदा से उन्होंने निपटा है और हमारी तैयारियां कितनी हैं और उनसे हमने लेसन क्या लर्न किया है उसको हम अपने प्लान में बना करके देखें और उसी को मैं सुनिश्चित करने आया था। और मैं आपके ज़रिए गोरखपुर के निवासियों को, पूरे ज़िले के निवासियों को ये मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश से जो भी कार्रवाई होनी है जिससे कि कोई भी प्रकार की जनहानि या धनहानि ना हो और धन में पशुधन भी है, सबको बचाते हुए हमारी तैयारियां जो हैं 100% हैं। उसमें हमारे साथ NDRF है, SDRF है और इंडियन आर्म फोर्सेस की आर्मी इन पर्टिकुलर नेवी की भी टीम्स जैसे दूसरे प्रांतों में लगी हैं, सब कुछ अवेलेबल है और अगर खुदा न खास्ता हमको वैसी बाढ़ का सामना करना पड़े तो हम पूरी तरीके से हमारा जो प्लान है, हमारे जो ट्रेनिंग है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, सब कुछ इन प्लेस है, किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अप्रिय घटना बाढ़ के जरिए या उससे संबंधित कोई चीज़ ना होने पाए।